फ्लिप फ्लॉप एक्साइटेशन टेबल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्लिप फ्लॉप यूज करके सिक्वेंशियल सर्किट को डिज़ाइन करने में, और इसको समझने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल को पहले देख ले एक बार। तो सबसे पहले हम लोग उसी चीज़ को देखते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल इज यूजफुल फॉर द एनालिसिस एंड फॉर डिजाइनिंग और डिफाइनिंग द ऑपरेशन ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। उसमें होता क्या है, इट स्पेसिफाइज द नेक्स्ट स्टेट व्हेन द इनपुट्स एंड प्रेजेंट स्टेट्स आर नोन। फिर कहा जाता है एक्साइटेशन टेबल के लिए कि ड्यूरिंग द डिजाइन प्रोसेस वी यूजुअली नो द ट्रांजिशन फ्रॉम प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट एंड विश टू फाइंड द फ्लिप फ्लॉप इनपुट कंडीशंस दैट विल कॉज द रिक्वायर्ड ट्रांजिशन। एंड फॉर दिस रीजन वी नीड अ टेबल दैट लिस्ट्स द रिक्वायर्ड इनपुट्स फॉर अ गिवन चेंज ऑफ स्टेट एंड सच ए लिस्ट इज कॉल्ड एन एक्साइटेशन टेबल। तो यहाँ पे वो चारों फ्लिप फ्लॉप के लिए एक्साइटेशन टेबल बनाया गया है। आर एस और एस आर फ्लिप फ्लॉप दिखा रखा है। क्यू टी रिप्रेजेंट द प्रेजेंट स्टेट, क्यू टी प्लस वन नेक्स्ट स्टेट, एस एंड आर इज द इनपुट कंडीशंस दिया हुआ है। एस आर या आर एस फ्लिप फ्लॉप के लिए 0 0 पे 0 क्रॉस, 0 1 पे 1 0, 1 0 पे 0 1, 1 1 पे क्रॉस 0। इसी तरीके से जेके के लिए भी दिया हुआ है। अगर हम लोग कंडीशंस देखें तो 0 1 क्रॉस क्रॉस और क्रॉस क्रॉस 1 0। डी फ्लिप फ्लॉप में हम लोग सिंपली देखते हैं जो नेक्स्ट स्टेट होता है क्यू टी प्लस वन वही हमारा आउटपुट पे होता है, और टी फ्लिप फ्लॉप में हम लोग देखते हैं कि दोनों अगर सेम है क्यू टी और क्यू टी प्लस वन तो आउटपुट 0 होता है, अगर क्यू टी और क्यू टी प्लस डिफरेंट होता है आउटपुट 1 होता है। दिस इज द एक्साइटेशन टेबल ऑफ द फ्लिप फ्लॉप।